राजस्थान में बाढ़ की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। जालौर, पाली और सिरोही जिलों में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं। करीब 104 गांवों का संपर्क बाकी राज्य से टूट गया है। माउंट आबू में करीब 2000 टूरिस्ट फंसे हुए हैं। राजस्थान में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जालौर, पाली और सिरोही में बाढ़ से लोग जूझ रहे हैं। बचाव दल वहां फंसे लोगों को निकालने में जुटा हुआ है। मौसम विभाग ने दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी बाढ़ आने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार की तरफ से जालौर और पाली में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से निकालने के आदेश दिए गए हैं। क्या है कि तीन जिलों में विशेष रूप से बाढ़ का प्रकोप रहा है और चौथा जिला अब जुड़ रहा है वो बाड़मेर। सबसे ज्यादा जो संकट की स्थिति थी वो जालौर में थी और जालौर में एक पेड़ पर तो पिछले 24 घंटों से भी 7 लोग फंसे हुए थे। कल हमने एयरलिफ्ट के लिए 2-3 बार प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। आज सवेरे हमने उनको 7ों को एयरलिफ्ट करके बचा लिया। राजस्थान में माउंट आबू में करीब 2000 टूरिस्ट फंसे हुए हैं जिन्हें एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की मदद से सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। भारी बारिश के कारण राजस्थान का रेलवे ट्रैक भी प्रभावित हुआ है। राहत व बचाव कार्य के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेना की कई टुकड़ियों को तैनात किया गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान में आने वाले 3 दिन तक भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी किया है। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।